हम बनाएंगे पनीर टिक्का। इसके लिए सारी सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है और हम एक बॉल लेंगे। इस बॉल में अब सब कुछ मिलाकर फेटेंगे। दही मिलाएंगे, दही का पानी निकाल लिए हैं, देख लीजिए दही एकदम गाढ़ी दही होने चाहिए। उसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम देंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ये पेस्ट है, ये देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी देंगे और थोड़ा सा अजवाइन को देंगे और थोड़ा नमक। ये भुने हुए बेसन है, इसे 2 से 3 चम्मच देंगे। अब इसे अच्छी तरह फेटेंगे। इसे अच्छी तरह फेंट लेना है, पूरी तरह से बेसन और दही अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। ये अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब इनमें धीरे धीरे पनीर को डालेंगे और हल्के हाथ से इसे मिलाएंगे। 200 ग्राम पनीर है बड़े बड़े टुकड़े में कटे हुए, इसे एकदम धीरे धीरे मिलाना है जिससे कि ये टूटे नहीं। अब हम इनमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। सारे मसाले को इनमें अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए सभी मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं पनीर में, शिमला मिर्च में, प्याज में। अब हम इन्हें 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 30 मिनट बाद हम इसे मैरिनेट किए हुए सारे मसाले और पनीर को फ्रिज से निकालकर धीरे धीरे स्क्वायर में डालेंगे हल्के हाथों से। एकदम धीरे धीरे इसे डालना है जिससे कि हमारे पनीर टूटे ना। पनीर बहुत ही मुलायम और कोमल होते हैं, ये ज़्यादा हार्ड हाथ से छूने से टूट जाते हैं। इसे एकदम धीरे धीरे करके हमें पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर, इन सबको धीरे धीरे करके एक तरह से सजा कर डालना है। हम 2 स्क्वायर में इन सबको सजा कर डालेंगे अच्छी तरह से, धीरे धीरे डालेंगे और डालने के बाद इसे तवे पर सेकेंगे।
हमने दोनों स्क्वायर में अच्छी तरह से सजा कर देखिए टिक्के को तवा पर दे दिया है। तवा पर हमने शुद्ध घी डाल दिया है पहले ही। अब ऊपर से शुद्ध घी डाल डाल करके इसे अच्छी तरह से घुमा घुमा कर सेकेंगे तलेंगे। बहुत ही अच्छा देखिए खुशबू कितनी अच्छी, ऊपर से हम इसमें घी देते जा रहे हैं अच्छी तरह से। शुद्ध घी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, कितने अच्छी तरह से ये तल रहे हैं। एकदम धीमी आंच पर एकदम लो फ्लेम करके अच्छी तरह से तवे पर हम इसे सेक रहे हैं घुमा घुमा कर। देखिए कितनी अच्छी तरह से सुनहरा सुनहरा कलर आ रहा है। दोनों को सेकेंगे एकदम मीडियम लो फ्लेम कर दिए हैं और इसे सेक रहे हैं। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी तरह से देखिए सेक रहे हैं बढ़िया तरीके से। इसके बाद हम इसे डायरेक्ट हीट पर दे करके भी बीच बीच में आपको चारों तरफ से इसे घी डालते रहना है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से ये पकते हैं, धीमी आंच पर अच्छी तरह से इसे पकाना है, कच्चापन नहीं रहे। देखिए कितनी अच्छी तरह से घूम घूम कर ये पक रहे हैं। इसके बाद हम इसे दोनों तरफ से स्क्वायर को पकड़ कर डायरेक्ट हीट पर चूल्हे पर दे करके भी पकाएंगे, जिससे कि इसमें अच्छी तंदूर वाली चूल्हे वाली खुशबू आ जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पक रहे हैं। पनीर टिक्का खाने का अपना ही एक अलग स्वाद होता है। हरी चटनी के साथ नींबू और चाट मसाला दे करके खाइए, इतने अच्छे लगते हैं ये खाने में। देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं। अब हमारे टिक्का पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा डायरेक्ट चूल्हे पर सेकेंगे चारों तरफ से, थोड़ा सा भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। देखिए अब हमने इसे तवे पर से हटा कर डायरेक्ट हीट पर सेक रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए चारों तरफ से पक चुके हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पनीर टिक्का खाने में, बनाइए खाइए। इसे इसी तरह सेक लीजिए, आप तवे के जगह डायरेक्ट भी इसे सेक सकते हैं। अच्छी तरह से दोनों तरफ से स्क्वायर को पकड़ कर घुमा घुमा कर अच्छी तरह से इसे सेक सकते हैं। इसी तरह हमने सेक लिया है, आप लोग भी खा सकते हैं। सब क्या था, अरे प्याज के छोड़ो ना, रुको वो जो मैं तेरे सैंडविच लाया था, नहीं तो नहीं होती आज हम ब्रेड मिला नहीं था। बाबू कभी गिरेगा नहीं, बाबू दिखाना है, बाबू दिखाना है क्या कलर आया है। ऑन है, ऑन है। टमाटर आप बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। आप अच्छा से स्टडी नहीं किए, हमको ज्यादा काला ज्यादा नहीं, आप स्टडी नहीं किए, काला हो गया, काला ही होता है। खुशबू आ रही है एकदम सुंदी सुंदी खुशबू, तंदूर वाली खुशबू आ रही है। ये वाला सही था, ये वाला एकदम परफेक्ट था, इतना बड़ा नहीं होता है। इतना बड़ा अब हम इसमें तंदूर वाली फिल लाने के लिए कोयले का धुआं देंगे। देखिए हम इसमें कोयले का धुआं देने के लिए अच्छी तरह से पनीर टिक्के को रख करके उसमें कटोरी में कोयला जला करके उसके ऊपर एक चम्मच छोटे चम्मच से घी डाले हैं, जिससे कि उसमें धुआं हो रहा है। धुआं देने से, धुआं वाली खुशबू होने से तंदूर वाली फिल आती है, एकदम बहुत ही अच्छी और लजीज खुशबू आने लगती है उससे। देखिए पूरी तरह से धुआं एब्जॉर्ब कर चुका है ये, अब हम इसे हटाएंगे। अब हम इसे हटाएंगे और अच्छी तरह से गार्निश करेंगे और इसे नींबू, धनिया, हरी चटनी, प्याज और मीठी चटनी सॉस के साथ, टोमेटो सॉस के साथ अच्छी तरह से इसे खाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है ये। आप इसे
हरी चटनी, लाल चटनी, नींबू, प्याज के साथ अच्छी तरह से खाइए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है ये।